तो हाय गाइस, दिस इज नाशिद। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब आप समझिए, मतलब मेरे फ्रेम ऑफ माइंड को। जैसे अगर आप कैमरा लेने जाते हैं और कैनन सबसे मतलब बड़ा ब्रांड है, मान लीजिए आप अगर निकॉन या सोनी को मानते हैं तो सॉरी, अगर कैनन सबसे बड़ा ब्रांड है, वहाँ आप जाइएगा वेबसाइट पे, आप चुनिएगा, आप प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट में जाइएगा, फिर जाके चुनिएगा बिगिनर, इंथुजियास्टिक और प्रोफेशनल। तो मैं बिगिनर था, ये पॉइंट याद रख। अब मैं थोड़ा इंथुजियास्टिक वाले में जा रहा हूँ, क्योंकि पता है आजकल जैसे मैंने एक नया ये कैनन का मतलब थोड़ा लो लाइट वाला है, 50 mm लेंस, मैंने नेट पे सर्च किया तो सब यूट्यूबर ज़्यादातर मतलब इधर उधर जाके और उसके बाद से इतना कन्फ्यूज़ करके लास्ट में एक मतलब एक बता दिया लास्ट में, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूबर्स लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं और इधर उधर की कहानी सुनाने लगते हैं, जैसे हम अभी सुना रहे हैं। लेकिन हम रखते हैं कि कहानी नहीं सुनाना है, लास्ट में कंज्यूमर को बता देना है या ऑडियंस को या दोस्त को या किसी को भी कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर यू, मतलब कुछ लास्ट में स्ट्रैटेजी नहीं रखनी है। तो अगर आपका कोई पहला लेंस लेना है और आपके पास 4-5 साल पहले कैनन का मतलब कैमरा है, जैसे मेरे पास है 600D, तो आप सबसे पहले आप 50 mm पे मतलब जो कैनन का आता है, ऐसे और भी चीप ब्रांड का आता है, लेकिन आपको खर्च करना चाहिए अच्छा, क्योंकि जो अंदर ग्लास है वो मैटर करता है और ये 1.8F पर जाता है। तो मतलब उसके बारे में मैं मेरे ख्याल से बाद में बात करूंगा, अभी बात करनी थी कि मैं बिगनर से इंथुजियास्टिक कैसे आ गया और उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं मतलब फ़ोटो खींचता था ऑटोमेटिक मोड में और उसके बाद से मैं मतलब कोई अगर किसी को दिखाना है कि अरे यार तुम बड़ा अच्छा फोटो खींचते हो, ऑटोमेटिक में चला गया और उसके बाद से मैनुअल में समझ ही नहीं आता था 10-15 बार पहले उसको, पहले एफ स्टॉप को, फिर एपरेचर को, फिर आईएसओ को, और अगर आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे तो कुछ कुछ संभाला है, लेकिन मैंने उसका मतलब 5 घंटा वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, फिर गया। अभी बहुत दिन से मतलब रोज़ कुछ फ़ोटो खींच रहा हूँ और मतलब देख रहा हूँ कि आखिर काम करता कैसे, कौन से सिनेरियो में कितना आपको एपरेचर चाहिए, कितना आपको शटर स्पीड होना चाहिए और कितना आपको आईएसओ होना चाहिए। तो ये सब मतलब अब मतलब मैं सूरज को देखता हूँ, चांद को देखता हूँ, तो मेरे को लगता है कि अरे यार अच्छा, इसमें 200 ISO में मतलब फ़ोटो अच्छी आएगी, या मतलब एफ स्टॉप इसमें कम होना चाहिए, या मतलब एपरेचर बड़ा होगा, तो मतलब जितना मतलब जैसे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग फोटोग्राफी का जो है ना, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एपरेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लरी बैकग्राउंड आपको मिलेगा, और जितना mm मतलब ज़्यादा होगा, जितना mm आपका लेंस का जितना ज़्यादा चला जाएगा उतना ज़्यादा छोटा, उतना ज़्यादा क्रॉप्ड मतलब आपको ये हो जाएगा। जैसे कि मैं ये वाला लेंस लिया तो इससे मैं वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, जैसे कि हमको बहुत पीछे खड़ा रहना पड़ेगा और यहाँ पर मतलब बेसिकली हम यहाँ पे ए रोल नहीं कर सकते हैं इस लेंस से, लेकिन इस लेंस से कर सकते हैं क्योंकि 18 में चले गए और उसके बाद से, लेकिन उसमें भी बहुत सारा मतलब कन्फ्यूज़न है कि जैसे अगर फुल फ्रेम कैमरा नहीं है तो उसको जितना आपको mm है उसको 1.6 से इंटू करना पड़ता है, इट्स लाइक वेरी कन्फ्यूजिंग, लेकिन ये सब हमें पता चल गया। अगर आपके पास कोई सवाल है तो बता दीजिए, लेकिन मैं आपको लगता होगा मेरे चेहरे से आई एम वेरी एक्साइटेड, और 1-2 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, और जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मतलब जैसे लगता है ना, जैसे कि वक्त गुजरता है तो आपके पेट से खाना खाना जो है वो खाली होता रहता है, पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में धीरे धीरे पेट खाली होता है, लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ तो मेरा पेट धीरे 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 बढ़ जाता है। तो 2 दिन में इतना हो गया, तो जाहिर सी बात है आप लोग से बात करनी थी, नहीं तो फिर उल्टी उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग कहते हैं उसको इंग्लिश में, अगर कोई मतलब साउथ का कोई सुन रहा है, उल्टी मतलब क्या होता है भाई, तो वॉमिटिंग मतलब हो जाएगी, ज़्यादा खाने के बाद हो जाती है। तो बस मतलब मैं एक्साइटेड था और इसी वजह से कुछ बात करना चाह रहा था, और मतलब ये कुछ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो नहीं था, लेकिन अगर आप बिगनर से इंथुजियास्टिक आना चाहते हैं तो कुछ सवाल पूछिए मेरे से और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जर्नी मेरी गई। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इस वीडियो के लिए मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँ क्योंकि मैंने आपको, हमको लगता ही नहीं है कुछ, मे बी इंटरटेन किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय, आई डोंट नो।